हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश राणा। मैं बात करने वाला हूँ 2023 R15 वर्जन 4.0 NR15S के बारे में, जो कि माइनर अपडेट्स के साथ इंडिया के अंदर जो है वो लॉन्च हो गई है। एंड मैं बात करने वाला हूँ कि जो है हमारी R15 रेंज है फ्रेंड्स के अंदर में न्यू पेंट स्कीम के अलावा और भी हमें किस तरह के चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड जो यामा की R15 वर्जन 4.0 है, जिसके अंदर न्यू पेंट स्कीम देखने को मिलेगी, जो कि हमें इंटरेस्टिंग वाइट कलर के नाम से जो है हमें देखने को मिलने वाली है। एंड ये हमें काफ़ी आई कैचिंग कलर ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा, जो कि हमें एग्रेसिव लुक्स के साथ में कॉन्ट्रेस्टिंग रेड बीड्स एंड गोल्डन अपसाइड डाउन फ्रॉक्स जो है हमें वो देखने को मिलते हैं। एंड जो एस वेरियंट है उसके अंदर हमें कोई भी चेंजेस जो है हमें नहीं देखने को मिलता है। एंड जो व्हाइट कलर ऑप्शन का जो अपग्रेडेशन है, जो कि ओनली फॉर हमें R15 वर्जन 4.0 के अंदर ही हमें देखने को मिलेगा। इसके अंदर में जो R15M, MotoGP एंड जो रेसिंग ब्लू एंड और भी काफ़ी सारे वेरियंट्स है, उसके अंदर हमें कोई भी कलर ऑप्शन जो कि हमें नहीं देखने को मिलता है। ओनली हमें वर्जन 4.0 के अंदर ही न्यू कलर देखने को मिलेगा। एंड इसके अंदर हमें न्यू इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी जो है हमें देखने को मिलेगा। फ्रेंड जो इसका एस वेरियंट है फ्रेंड्स के अंदर हमें न्यूअर एंड मोर डेटा जो कि हमें इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमें एडिशनल फ्यूल इकोनॉमी एंड एवरेज स्पीड जैसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि हमें इसके ब्लूटूथ इनेबल कंसोल के अंदर जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड फ्रेंड्स के अंदर में हमारी जो राइड कनेक्ट यानी जो वाई कनेक्ट एप्लीकेशन है वो भी देखने को मिलेगी, जो कि आप एंड्रॉइड स्मार्टफोन से कनेक्ट करके जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स के अंदर हमें जो OBD2 एयर कम्प्लेंट इंजन ऑप्शन है वो भी देखने को मिलेगा, जो कि हमें यामा का 155cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन ऑप्शन जो है हमें देखने को मिलने वाला है, जो कि हमें यामा की VVA टेक्नोलॉजी के साथ। एंड इसके अंदर हमें 18.1 BHP का पावर एंड 14.2 Nm का जो टॉर्क है वो देखने को मिलेगा। साथ ही में हमें 6-speed गियरबॉक्स एंड स्लीपर एंड असिस्ट क्लच ऑप्शन भी जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड फ्रेंड्स के फ्रंट में हमें अप साइड डाउन फ्रॉक्स जो एंड इसके एस वेरिएंट में हमें कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फ्रॉक्स जो है हमें देखने को मिलेंगे। एंड फ्रेंड्स के अंदर हमें रेलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स जो कि हमें इसके रियर में देखने को मिलेंगे। एंड ब्रेकिंग के अंदर हमें दोनों एंड्स पे हमें डिस्ब्रेक सेटअप एंड ये हमें ड्यूल टोन ABS के साथ जो है हमें देखने को मिलेगी। तो फिलहाल तो दोनों बाइक्स के अंदर हमें इतने फीचर्स एंड जो अपडेट्स है वो देखने को मिलते हैं। फ्रेंड और भी अगर इसके बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्दी मैं एक न्यू वीडियो लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। एंड फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।